सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE के अपडेट्स पाएं सबसे पहले। WWE के ग्लासगो में हुए लाइव हाउस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस लाइव शो में द गेम ट्रिपल एच शील्ड के सदस्य रोमन रेंज की जगह शामिल हुए और सेमस सीजरो एंड ब्रे वाइट के खिलाफ लड़े। ट्रिपल एच ने बाकायदा रोमन रेंज का गियर पहनकर फाइट की। रोमन रेंज बीमारी के चलते इस समय WWE से बाहर चल रहे हैं। मजे की बात यह है कि जब साल 2014 में शील्ड टूटी तब शील्ड के टूटने का कारण भी ट्रिपल एच ही थे। तब सेथ रॉलिंस ने शील्ड को धोखा देकर ट्रिपल एच और अथॉरिटी ज्वाइन की थी। इसके बाद साल 2016 से ट्रिपल एच और सेथ रॉलिंस के बीच फ्यूड तब शुरू हुई जब 2016 में यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में ट्रिपल एच ने सेथ रॉलिंस के ऊपर हमला किया और केविन ओवेंस का साथ दिया। इसके बाद इनके बीच रेसलमेनिया 33 में मुकाबला हुआ जहां सेथ रॉलिंस ने शानदार जीत हासिल की। ट्रिपल एच और शील्ड के बीच इतना कुछ होने के बावजूद भी ट्रिपल एच शील्ड का हिस्सा बने और उनका साथ दिया, तो जाहिर सी बात है कि सभी जानना चाहेंगे इसके बाद ट्रिपल एच की क्या प्रतिक्रिया रही। ट्रिपल एच शील्ड को ज्वाइन करके काफ़ी खुश हैं। उन्होंने ट्वीट करके पहले ग्लासगो को धन्यवाद दिया, फिर डीन एम्ब्रोज और सेथ रॉलिंस को धन्यवाद दिया। ट्रिपल एच का इस इवेंट में शील्ड के साथ आकर उनके गियर यूज करना काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।